नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी 2021 के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया ने इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में भारत के हेल्थ केयर में महामारी के दौरान उपजी असमानता पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में कम खर्च और निजी स्वास्थ्य देखभाल के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने से हुआ है। अब जान लेते हैं रिपोर्ट की मुख्य बातों के बारे में। इस रिपोर्ट में दो पहलुओं पर चर्चा की गई है, जो राज्य स्वास्थ्य पर अधिक खर्च के साथ मौजूदा स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें अन्य राज्यों की तुलना में कोविड-19 के कम कंफर्म मामले थे। ऐसे राज्यों में तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से असमानताओं को कम कर रहे हैं, विशेष रूप से सामान्य वर्ग SC और ST आबादी के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं में कोविड-19 की पुष्टि के मामले कम हैं। दूसरी ओर असम, बिहार और गोवा जैसे राज्यों में जहां स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च अधिक है, वहां कोविड की रिकवरी दर अधिक है। रिपोर्ट ने केरल राज्य को कोविड-19 महामारी से निपटने में एक सफल राज्य के रूप में चिन्हित किया है। यह रिपोर्ट देश के डिजिटल विभाजन को भी इंगित करती है। यह कारण आय समूहों के साथ साथ सामान्य और SC ST श्रेणियों के बीच वैक्सीन असमानता पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी आबादी ने ग्रामीण आबादी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसे विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर मापा गया है। रिपोर्ट इस तथ्य को भी उजागर करती है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग की तुलना में 5 गुना अधिक भेदभाव का शिकार हुए हैं। महामारी के समय केवल 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन था। ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों के लगभग आधे थे। 12 राज्यों में 60% से ज्यादा महिलाओं ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। 2004 और 2017 के बीच प्रति अस्पताल में भर्ती होने के मामले में चिकित्सा व्यय 3 गुना हो गया है। बाल टीकाकरण में सुधार, लड़कियों के टीकाकरण की दर लड़कों के टीकाकरण की तुलना में कम है। शहरी क्षेत्रों के बच्चों तक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में टीकाकरण की बेहतर पहुँच उपलब्ध है। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकेले स्वास्थ्य लागत के कारण 63 मिलियन से अधिक लोग हर साल गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। भारत में स्वास्थ्य व्यय 64.2% है, जो विश्व के औसत 18.2% से काफी अधिक है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाला व्यय संपत्ति को बेचने और कर्ज लेने पर विवश कर देता है। अब नोट कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित अभ्यास प्रश्न। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट देश के डिजिटल विभाजन के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। दूसरा, रिपोर्ट बताती है कि 2004 और 2017 के बीच प्रति अस्पताल में भर्ती होने के मामले में चिकित्सा व्यय 3 गुना हो गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।